हाय एवरीवन दिस इज बुरने आज का टॉपिक हमारा है सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट पे एक ऑनलाइन कैंपेन रिसेंटली शुरू हुई वैसे तो ये न्यूज में पहले भी था लेकिन बहुत ज्यादा कवरेज इसको नहीं मिली बक्सवाहा फॉरेस्ट कहाँ पे है क्यों ये ऑनलाइन कैंपेन चल रही है इनको सेव करने की इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आपकी कोई भी क्वेल्यू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील्ड क्या दोगे कितने का ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे चाहे इंस्टा पे चाहे टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारे लिए पेड़ ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हीरे डायमंड्स, राइट right? और या फिर हम इसको एक इस तरह से देख सकते हैं कि डायमंड्स और देखिए डायमंड्स की भी इम्पॉर्टेंट है एक देश के लिए उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पेड़ों का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना के इस समय में हमने देख ही लिया ऑक्सीजन से कितनी कितनी कमी थी क्लाइमेट चेंजेस जितनी हो रही हैं दुनिया में वो भी हम देख रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बट कुछ केसेस में क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है तो ऐसा ही कुछ केस है बक्सवाहा के जंगलों का जिसके बारे में आज हम डिस्कस डिस्कस करेंगे अब देखिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वाले दिन एक ऑनलाइन कैंपेन जो है वो शुरू हुई कि बक्सवाहा जो फॉरेस्ट है ये ग्रुप है विदाउट नेचर डार्क फ्यूचर ग्रुप इन्होंने ये चलाया कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इस फॉरेस्ट को हमको बचाना है क्योंकि डायमंड माइनिंग के लिए मध्य प्रदेश में यहाँ पे ढाई लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाने वाले हैं डायमंड क्योंकि यहाँ पे देखा कि बहुत ज्यादा डायमंड यहाँ से मिल सकता है वैसे आपको पता है मध्य प्रदेश में पन्ना Uh, पन्ना में भी uh, बहुत ज्यादा डायमंड है वहां से डायमंड माइनिंग वहां पे होती है तो इसी तरह से देखा गया कि बक्सवाहा वाले जंगलों में भी यहाँ पे डायमंड जो है वो अवेलेबल हो सकता है तो इस तरह से ऑनलाइन कैंपेन ही आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा शुरू हो गया और हैश चल रहा है बक्सवाहा फॉरेस्ट अब यहाँ पे देखिए क्योंकि आपको इसको एग्जाम परस्पेक्टिव से देखना है मोर देन 5000 थाउजेंड यूथ ये ऑनलाइन कैंपेन की बात है इन्होंने पार्टिसिपेट किया अलग अलग वीडियोज हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा शेयर हुए तो ये सब जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं वो वहां के हैं कि किस तरह से बक्सवाहा के लिए ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है अब देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है थ्री एटी टू हेक्टेयर्स का Uh, कहाँ पे बक्सवाहा इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश तो याद रखना है कि बक्सवाहा कहाँ है मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एक बहुत ज्यादा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं एक है एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है विद नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बात हो रही है कि यहाँ पे डायमंड प्रोजेक्ट जो है इस रीजन में वो लगाया जाएगा अब इन्वायरमेंट लवर्स ऐसा नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पे ढाई लाख से ज़्यादा पेड़ इसके लिए काटने पड़ेंगे जंगल क्लियर करना पड़ेगा और कोविड समय में जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन स्कैरसिटी हमने देखा कितने लोग ऑक्सीजन लेवल कम होने से मर गए और क्लाइमेट चेंजेस पे मैं लगातार वीडियोस बनाती हूँ तो आप देखते हैं कि क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है तो ऐसे समय के चलते क्या इतना पेड़ काटना सही रहेगा या नहीं अब बक्सा बक्सवाहा का ये जो डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट है इसके बारे में देखिए बंडर डायमंड ब्लॉक इज अ ग्रीन फील्ड माइनिंग प्रोजेक्ट ये एक ग्रीन फील्ड माइनिंग प्रोजेक्ट है डायमंड का 364 हेक्टेयर बक्सवा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ये लैंड आ रहा है जो कि विलेज सगोरिया बक्सवाहा तहसील जो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर है ये इसका पूरा लोकेशन है पूरा पढ़ दिया मैंने बट इट्स लोकेशन ऑफ द प्लेस प्रोजेक्ट जो है छतरपुर से डिस्ट्रिक्ट uh, जो है एट्टी किलोमीटर दूर है और uh, टू किलो टू uh, सिक्सटी किलोमीटर भोपाल स्टेट कैपिटल से दूर है ये जो प्रोजेक्ट है एक ऑस्ट्रेलियन uh, कंपनी थी रायोटिटू एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने यहाँ पे पूरा रिसर्च किया था एक्सप्लोरेशन की थी और रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की थी कि यहाँ पे डायमंड की माइनिंग जो है वो हो सकती है और वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनिंग जो है वर्ल्ड की वो सेटअप हो सकती है और एस्टिमेटेड रिसोर्सेज बताते हैं कि यहाँ पे किम्बरलाइट और जहाँ से डायमंड निकलता है जो पत्थर होता है उसको किम्बरलाइट बोलते हैं तो अराउंड फिफ्टी मिलियन टन ऑफ किम्बरलाइट और जो है यहाँ पे Uh, मतलब हो सकती है इस एरिया में जिसमें 34 मिलियन जिससे 34 मिलियन कैरेट्स जो रफ डायमंड्स हैं वो निकाले जा सकते हैं माइन आउट किए जा सकते हैं तो ये पूरा इसका लोकेशन आ गया और यहाँ पे जो ये कंपनी ने रिसर्च की वो मैंने आपको बताया कि कितना डायमंड यहाँ पे हमको मिल सकता है तो लोकेशन देख लीजिए ये इंडिया का मैप है उसके साथ यहाँ पे यह मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश का अलग से मैप वहाँ पे हम छतरपुर को जूम इन करते हैं छतरपुर को जूम इन करते हैं तो यहाँ पे हमको बक्सवाहा का ये एरिया नजर आता है जहाँ पे डायमंड माइनिंग की बात की जा रही है अब देखिए ये जो डायमंड ब्लॉक है छतरपुर में यहाँ पे मैंने आपको बताया थर्टी फोर मिलियन कैरेट रफ डायमंड्स की बात की जा रही है जो यहाँ पे माइन आउट किए जा सकते हैं और पन्ना में जितने माइन आउट आ, मतलब डायमंड वहां से जो हीरे निकलते हैं उससे फिफ्टीन टाइम ज्यादा पंद्रह गुना ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है डायमंड्स मिलने का तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा एरिया है और और है और ओके तो इसलिए यहां पे गवर्नमेंट ये पूरा प्रोसेस शुरू करना चाहती है तो अब आप समझ में आ रहा है आपको कि डायमंड यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल डायमंड की बात नहीं हो रही लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड डायमंड माइनिंग ओर यहाँ पे जो माइनिंग सेटअप हो सकती है और दूसरी तरफ यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात है अब डायमंड से क्या होगा अगर यहाँ पे माइनिंग शुरू होती है तो इस जगह का टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट सब इंक्रीज होगा डेवलपमेंट इंक्रीज होगी इस एरिया की गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान होगा क्योंकि आप बहुत सारे पेड़ काटेंगे तो यहाँ पे बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं अब गवर्नमेंट ने तो इजाजत दे दी है कि यहाँ पे शुरू किया जाए अब देखिए इस पूरे प्रोसेस का आ, बात का बैकग्राउंड क्या है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये जो ऑस्ट्रेलियन माइनिंग जॉइंट है टिंटो इनको एक्सप्लोर करने का यहाँ पे बोला कि जाके आप एक्सप्लोर करो लेकिन 2017 में क्या हुआ बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ देखिए 2006 से ये कोई नई बात नहीं है बक्सवाहा की 2006 से एक्सप्लोरेशन यहाँ पे हुई है और रिपोर्ट जो है वो बनी है 2017 में क्या होता है कि इकोलॉजिकल कंसर्न्स को देखते हुए बहुत ऑपोजिशन होती है और फाइनली ये जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की ये एग्जिट कर जाती है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट है वो सबमिट करती है 2019 में आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी के एक एसएल माइनिंग को यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है बिड में दे दिया जाता है वो जीत जाते हैं टेंडर जो निकलता है बोलता है बोला जाता है कि आप यहाँ पे माइंड सेटअप करो और ये एरिया जो है पचास साल के लिए लीज पे दिया जाएगा और ये इन्होंने गवर्नमेंट को कुछ पचास हजार करोड़ रुपए दिए हैं इस काम के लिए ओके तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला है जो कि डेवलपमेंट कामों में यूज किया जा सकता है एक परस्पेक्टिव गवर्नमेंट का ये है लेकिन दूसरी तरफ हमारा परस्पेक्टिव है इन्वायरमेंटलिस्ट का परस्पेक्टिव है कि इतने पेड़ क्यों काटे जाएंगे ओके okay. अब ये जो एस एल माइनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनका क्या प्लान है इनका प्लान है एक फुल मैकेनाइज्ड प्लान इन्होंने यहाँ की माइन के लिए निकाला है कि किस तरह से यहाँ से डायमंड्स रिकवर किए जाएंगे 2500 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो होगी कंपनी का क्लेम है एक बार ये ऑपरेशनल ये माइनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी तो ये लार्जेस्ट डायमंड डायमंड माइंस इन एशिया बन सकती है ओके okay, और स्टेट गवर्नमेंट ने देखिए कितना लैंड दिया है 62.64 टू हेक्टेयर लैंड जो है माइनिंग के लिए दिया है 50 साल के लिए लेकिन कंपनी और डिमांड कर रही है कि हमको 383 एटी हेक्टेयर और चाहिए क्योंकि जब माइनिंग होगी तो बहुत ज्यादा वहां पे खोदा जाएगा मिट्टी निकलेगी डेब्रिज निकलेंगे अब वो डेब्रिज कहीं पर डंप करने के लिए और जगह चाहिए इसलिए और भी जगह की ये डिमांड कर रहे हैं कि माइनिंग से जो डेब्रिज निकलेंगी तो यहाँ पे आप रफली देख रहे हैं कि कितना एरिया इसमें जाएगा अब जो एक सेफ बक्सवाहा कमेटी जो है वो फॉर्म की गई है वॉल्टियर्स जो है भोपाल के बाकी एरियाज के वो छतरपुर पहुंचे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सैम्पलिंग जो है प्लांट वगैरह प्लांट किए और एक कोर कमेटी बनाई बुंदेलखंड में कि सागर और दमहो छतरपुर और इस तरह के जो एरियाज हैं वो इससे इम्पैक्ट होंगे और ये कमेटी बनाई गई कि हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं होने देंगे प्रोटेस्ट करते रहेंगे इससे पहले जब इस कंपनी ने यहाँ पे काम शुरू किया था तो लोकल रेजिडेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट किया था मैसिव रेजिस्टेंस शो किया था और कुछ 1.25 लाख पीपल पूरे देश से यहाँ पे फॉरवर्ड आए थे कि बक्सवा डायमंड प्रोजेक्ट को रेजिस्ट करने के लिए लेकिन अभी जैसे कि कोरोना का समय चल रहा है इस तरह के फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं हो रहे तो ऑनलाइन कैंपेन मीडिया में फिलहाल ये चल रही है अब आगे देखिए ये प्रोजेक्ट इज एट अबाउट 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर डे तो यहां पे देखिए पानी कितना पानी चाहिए इस प्रोजेक्ट के के चलते हुए तो हर दिन हिसाब से 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर डे पानी यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे एक सीजनल नाला जो है वो बनाया जाएगा डैम बना के पानी यहाँ से डाइवर्ट जो है यहाँ पे किया जाएगा इस माइन की नीड के लिए अब डायमंड रिसोर्स अगर आप इंडिया में देखें तो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ये तीन स्टेट्स हैं जो डायमंड्स प्रोड्यूस करती हैं और इसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश करता है 90 परसेंट जो टोटल डायमंड रिसोर्स है कंट्री का वो मध्य प्रदेश से आता है तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि डायमंडस कहां, कहां से जेन्स जो है इंपॉर्टेंट वो कहां, कहां से आते हैं अब इंपॉर्टेंस बक्सुआ फॉरेस्ट की क्या है अब देखिए यहाँ पे क्या सवाल अब मैंने एक पर्सपेक्टिव आपको बता दिया डिस्कशन के साथ साथ कि गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी जो पैसा आएगा यहाँ की इकोनमी इम्प्रूव होगी लेकिन इन्वामेंटलिस्ट बोलते हैं कि पन्ना में भी तो डायमंड का प्रोजेक्ट माइनिंग इतने टाइम से चल रही है तो पन्ना को कितना डेवलप कर लिया आपने आज भी अगर हम भोपाल में सिटीज़ का नाम काउंट करना चाहते हैं तो भोपाल इंदौर जैसी सिटीज़ का नाम आता है पन्ना का तो नाम नहीं आता राइट right? तो एक तर्क इन्वायरमेंटलिस्ट ये रखते हैं दूसरा कि जब भी हम कोई पेड़ कहीं पे काटे जाते हैं तो उसको कॉम्पन किया जाता है कि उतने पेड़ हम किसी और जगह पे लगाएंगे तो दूसरा सवाल है कि जब इतने सारे और प्रोजेक्ट्स ऐसे चलते हैं तो हमारे पास कहाँ पे प्रूफ है कि कहां पे वो पेड़ और लगाए गए उनको करने के लिए राइट तो देखिए इंपॉर्टेंस ये दोनों अब मैंने आपको बता दिए हैं कि गवर्नमेंट का क्या परस्पेक्टिव है इनवायरमेंटलिस्ट का क्या परस्पेक्टिव है और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है एक वे फॉरवर्ड है कि अगर आप इतने पेड़ यहाँ पे काटेंगे तो डेफिनेटली किसी और जगह पे आप इतने पेड़ लगाएं लेकिन वो पेड़ फिर लग ने चाहिए सिर्फ कागजों में नहीं होना चाहिए राइट यू कैन गिव योर कमेंट्स कि आप क्या फील करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए अब बक्सवाहा फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है यहां पे देखिए जब भी हम किसी जंगल को काटते हैं तो वो सिर्फ ट्रीज को कट करने की या प्लांट्स को कट करने की बात नहीं है वहां पे पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है जो उस एरिया का लोकल इकोसिस्टम है वो खराब हो जाता है वहां पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं ट्री स्पीशीज देखिए ये सबके नाम आप पढ़ सकते हैं कि कितने सारे डिफरेंट स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है उसके बाद uh, और ट्रीज और प्लांट्स के साथ साथ कुछ एनिमल्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो शेड्यूल वन एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं इंडियन गैजेल गजेल स्लॉथ बियर लेपर्ड मॉनिटर लिजर्ड पी कॉक बट उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी बोला था यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल्स नहीं है बट एनी वे ये लैप, ये एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं तो ये सब एनिमल्स का क्या होगा जब यहाँ से पेड़ काटे जाएंगे उनका हैबिटेट भी तो हम कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे राइट इससे पहले भी इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस एरिया के आस हुए हैं जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे बना डेवलपमेंट हुई लेकिन वन लाख ट्रीज जो है वो यहाँ पे हाईवे के लिए काटे गए उसके बाद कैन बैतुआ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था अभी रिसेंटली तो यहाँ पे दो रिवर्स हैं एक रिवर में पानी ज़्यादा एक में कम है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लिंक बनाया जाएगा और इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ऑलरेडी उसका फोर्टी परसेंट जो एरिया है वो इस प्रोजेक्ट में जा रहा है तो देख लो ट्वेंटी लाख ट्रीज यहाँ पे थ्रेटेड हुए इस Uh, इस लिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से तो ऑलरेडी हम इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान दे रहे हैं लेकिन कॉम्पनसेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इज एन हैंटेंट क्वेश्चन तो मैंने इस बक्सुआ सेफ बक्सुआ फॉरेस्ट के दोनों परस्पेक्टिव आपको बताए कि माइनिंग का क्या परस्पेक्टिव है क्योंकि डेवलपमेंट भी एक देश की जरूरी है दूसरा इन्वायरमेंट का पहलू और वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करने की कोशिश की कि किस तरह से हम इससे बाहर निकल सकते हैं बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन आपके लिए no parks, reserves, इस एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है विद इन द टन किलोमीटर रेडियस ऑफ माइनिंग लीज द नियरेस्ट नेशनल पार्क सेंचुरी पन्ना टाइगर रिजर्व विद इट्स बफर जोन एट नाइनटीन जीरो थ्री किलोमीटर तो यहाँ पे स्टेटमेंट कि कुछ भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पे दस